हे गाइस वेलकम टू पेंटेक। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का एक प्रोजेक्ट, एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर या कह सकते हो ऑटोमेटिक हैंड वॉश मशीन। मतलब यहाँ पर कोई बटन या मैनुअल इसको ऑन करने का जरूरत नहीं है, बस आगे हाथ लाने से ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। देखना जैसे मैं हाथ किसके सामने ले जाऊंगा पानी निकालना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, देख सकते हो। तो देख सकते हो इनको मैं जैसे इसके सामने ले जा रहा हूँ पानी निकाल रहा है, और हटा लेने पर पानी निकालना बंद भी हो रहा है। और इस तरह का चीज़ आप कई बार स्मॉल होटल या कई बार किसी का घर में भी आप देखे होंगे। तो आज हम उसी को एक प्रोजेक्ट के रूप में बनाने जा रहे हैं, और आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो आप समझ भी जाओगे एक्चुअली ये कैसे काम करता है। और इसको बनाए भी मैं यूट्यूब पर सबसे सिंपल तरीके से, बहुत ही कम से कम मटेरियल को यूज़ करके और बहुत ही चीप प्राइस में। तो आप इसको स्कूल प्रोजेक्ट या किसी भी साइंस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल बना सकते हो, आपको फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर देख लेते इसको बनाते कैसे। तो सबसे पहले चाहिए हम एक ट्रांजिस्टर BC547, और इसका पिन आउट कुछ इस तरह से होता है, कलेक्टर, बेस और इमीटर। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक फोटोडायोड, और ये एक तरह का IR रिसीवर होता है। यह बात दोस्तों ध्यान से सुनना, ये कोई IR LED नहीं, ये IR रिसीवर है। मतलब ये IR लाइट को ये रिसीव करता है। तो अभी इसका नेगेटिव पिन को हम जोड़ देंगे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन के साथ, और पॉजिटिव पिन को हम जोड़ देंगे ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक IR LED इन्फ्रारेड LED, और इसका पॉजिटिव पिन को हम जोड़ देना है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक रजिस्टर 15 kΩ का, और उसके एक साइड को हमें जोड़ देना है ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ। उसके बाद चाहे हमें एक और रजिस्टर 100 ओम्स का, और उसके एक साइड को हमें जोड़ देना है IR LED का नेगेटिव वाले पिन के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक LED, और यहाँ पर आप LED को लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर LED का पॉजिटिव पिन को हमें जोड़ देना है ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन के साथ, और नेगेटिव पिन को जोड़ देना है दोनों रजिस्टर के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक और BC547 ट्रांजिस्टर, और उसका बेस पिन को हमें जोड़ देना है LED का पॉजिटिव पिन के साथ। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा वायर का टुकड़े लेकर दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन को एक साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद चाहे मैं 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी, और उसको पॉजिटिव को हमें जोड़ना है ये वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन के साथ, और नेगेटिव को हमें जोड़ना है LED का नेगेटिव के साथ। दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो देख सकते हो हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मोटर को सब यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ना है। तो चलिए फिर मोटर को बाद में जोड़ते हैं, पहले इस कंटेनर के अंदर सारी चीज़ों को पहले फिट कर लेते चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये वाले कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर दूसरा कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर या डिब्बा को यूज़ कर सकते हो। और ये बेसिकली एक वॉच का कंटेनर है, मेरे पास ये पड़ा होता तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिंपली मोटर का तार और पाइप को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर देंगे सोलर आयरन की मदद से। इसे तो बहुत अच्छे से एक छेद बना लिया। उसके बाद देख सकते हो पाइप को इस तरह से टिकाने के लिए एक मोटा एल्युमिनियम वायर को इस तरह से मैं शेप दे दिया। तो चलिए इसको यहाँ पर अटैच कर देते। और ये हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा मिनी वाटर पंप, और इसको मैंने परचेस किया है अमेजन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इस पाइप का अटैच कर देते। देखो तो बहुत अच्छे से अटैच कर दिया, अब इसको सीधा डाल देना है यहाँ पर, और इस पाइप को और वायर को इस अभी जो होल के अभी छेद बनाया इनमें से डाल देना है। इसको इस तरह से फंसा लेना है। जैसे तो बहुत अच्छे से फिट भी हो गया। तो चलिए आप सर्किट के यहाँ पर जोड़ देते। देख सकते हो दोस्तों इसको मैंने बहुत अच्छे से फिट कर दिया, और ये देखना जैसे मैं सामने हाथ ला रहा हूँ LED कैसे ग्लो कर रहा है। तो चलिए अब इसको कनेक्शन कर देते। तो यहाँ पर पॉजिटिव को कनेक्ट करना है ये वाले ट्रांजिस्टर की इमीटर पिन के साथ, और नेगेटिव को कनेक्ट करना है यहाँ पर ये LED का नेगेटिव के साथ।
और ये हमारा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन या हैंड वॉश मशीन जो भी क्या, तो ये यूज़ करने के लिए 100% रेडी हो गया। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहले पानी भरना पड़ेगा, आप यहाँ पर साबुन पानी या सैनिटाइजर कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए फिलहाल पानी, सिंपल पानी डाल कर दिखा दूँगा। तो उसको अच्छी तरह से पूरा तक फिल कर देना है। देख सकते हो, और देखना जैसे मैं हाथ के इसके सामने ले जाऊंगा पानी निकलना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, देख सकते हो। तो चलिए आप पानी को यहाँ पर लेते, नहीं तो पानी टेबल पर गिर के पूरा टेबल ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये डायरेक्ट सनलाइट पे या डेलाइट पे काम नहीं करेगा, ऑल टाइम ऑन ही रहेगा, क्योंकि मैं इसे सबसे सिंपल तरीके से बहुत ही कम से कम कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनाया हूँ। तो अगर आप इसे बना रहे हो तो इसको घर के अंदर ही यूज़ करना, तभी 100% एक्यूरेटली काम करेगा। तो देख सकते हो इनको मैं जैसे इसके सामने ले जा रहा हूँ पानी निकाल रहा है, और हटा लेने पर पानी निकालना बंद भी हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।